नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मुफ्त ज्ञान गुरुजी में। दोस्तों, प्रकृति एक खजाना अनमोल और असीमित है। प्रकृति अपने आप कई ऐसे वनस्पतियों को जन्म देती है, उगाती है अथवा उपजाती है जो मनुष्य को रोग मुक्त करता है। और ये सब वनस्पतियाँ हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है और हम सभी लोग इन वनस्पतियों को खरपतवार समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो हमेशा अपने आप उगता है। जी हाँ, इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। इसे सिरियारी, सफ़ेद मुर्गा, सिलवारी, मोरपंख के नाम से जानते हैं। इसका लैटिन नाम है सेलोसिया अर्जेंटिया। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार यह शीतल त्रिदोष नाशक औषधि है। दोस्तों, यह हमेशा आपको नदी किनारे, खेत खलिहानों में, सड़क के किनारे मिलता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आयुर्वेद में बताए गए हैं। अगर आप इसके पत्ते, इसके फूल को देख करके पहचान ले रहे हैं कि यह पौधा कौन सा है, तो कृपया करके इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसके सहायता से आप कमजोरी को दूर कर सकते हैं, शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं, मधुमेह की समस्या हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो तो ठीक कर सकते हैं, पेशाब संबंधी कोई भी रोग हो, बार बार पेशाब जाने की समस्या हो, बहुत ही कम पेशाब आने की समस्या हो तो आप उसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुंह से जुड़ी हुई समस्याएं, मुंह में छाले हो जाना, बदबू आना, दांत में दर्द होना जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं मुंह से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाए तो कैसे ठीक किया जा सकता है। अक्सर हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, बदबू आता है, दांतों में कभी कभी दर्द हो जाता है, तो इसके बीज का चूर्ण का काढ़ा बनाकर गरारा करें, आराम मिलता है। पेशाब संबंधी रोग हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा रोग होता है कि बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में पेशाब उतरता है, तो इसके बीजों का काढ़ा बनाकर 10 से 12 मिली की सेवन से पेशाब संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द हो तो इसके पंचांग और बीज को पानी में पीसकर लेप लगाएं और जोड़ों के दर्द पर छाप लें। इसे देखेंगे जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल नियमित तौर पर 10 से 12 दिन करते हैं तो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद चलिए जानते हैं मधुमेह की बीमारी हो तो कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। सुबह खाली पेट एक गिलास पानी और एक चम्मच इसके बीजों का चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह कंट्रोल होता है, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं शारीरिक कमजोरी हो तो कैसे उसे दूर कर सकते हैं। आजकल के समय में लाखों लोग कमजोरी के समस्या से परेशान हैं, तो इसके बीजों के चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में गाय के दूध के साथ रात्रि में सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, थकान भी मिटता है। तो दोस्तों, बस इसके इतने ही सारे फायदे हमने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।